बाल मनोविज्ञान के 20 MCQ करेंगे जो आपका तीसरा क्लास है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो गूगल से सर्च किया है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मिक्सिंग है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप रिविजन करके जाइएगा और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक। चलिए देखेंगे बाल मनोविज्ञान के क्या है, सीधा डायरेक्ट आपको आंसर भी कराते चलूँगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बताने का प्रयास कीजिएगा। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? अगर देखिए बाल मनोविज्ञान हॉस्टल वार्डन का 10 नंबर जब पूछा जा रहा है बाल मनोविज्ञान में, तो बाल मनोविज्ञान का टॉपिक ही क्या है? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो मनोविज्ञान जो है आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन से भाषा? ग्रीक भाषा से, याद रखना जी दोस्तों। यहाँ पर मैं पहले आप सभी को कहूँगा, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिलेगा, ठीक। और वीडियो में लाइक अवश्य कीजिएगा और सभी लोगों को आंसर आना चाहिए। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलो, और एक और आप सभी के लिए कि प्रयोगशाला परिचालक का जो एग्ज़ाम आपका अब जुलाई में होगा, ठीक है। कब होगा? जुलाई में। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दें, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान शब्द कौन से भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिएगा, ठीक। स्पष्टीकरण है कि मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। मानस का अर्थ है जीवन और आत्मा, लॉजिक का अर्थ है अध्ययन। संक्षेप में मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी व्यवहार, भावना, चेतना, अचेतन मन का अध्ययन शामिल है। इसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो आपको यह क्लियर आया होगा समझ में। अब मनोविज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, पूरा टॉपिक सीरीज बाय सीरीज आपको कंप्लीट कोर्स के साथ कराएंगे, यूट्यूब पर इसको अपलोड किया जाएगा। बट आप याद रखना यहाँ पर कि जितने भी क्लास हो रहे हैं आप सभी लोगों का परफॉर्मेंस आना चाहिए और सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो मनोविज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोविज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हॉस्टल वारना के लिए भी, शिक्षक भर्ती के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। देखेंगे कि यहाँ पर जो मनोविज्ञान है पूछा क्या जाता है, मनोविज्ञान यानी कि 10 नंबर हॉस्टल वार्डन में पूछा जा रहा है। तो उसमें आप याद रखना मनोविज्ञान क्या है, अगर पूछ दिया तो मनोविज्ञान ये कि जीवन या आत्मा, मानस का जो लॉजिक का अर्थ है, या ये वाला टॉपिक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। इसका PDF आपको नहीं मिलेगा, इसका PDF आपको फ्री में नहीं मिलेगा, ओके। मनोविज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा है। तो देखिए स्पष्टीकरण करके बताया गया है कि मनोविज्ञान 4 प्रकार का होता है। इस प्रकार नैदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, संज्ञात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, ये 4 प्रकार के मनोविज्ञान होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि मनोविज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से हैं या इसमें कौन से शामिल नहीं हैं, ये 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बाद कोई एक टॉपिक और दे दिया जाएगा, वही है ना, ठीक। व्यवहारिक मनोविज्ञान आप लोग पूरे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, PDF नहीं मिलेगा। मनोविज्ञान और वैकल्पिक वैज्ञानिक अध्ययन, सॉरी एक मिनट ना, थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, आंसर छुपा देता हूँ मैं, ठीक। अब मनोविज्ञान और खालिस्तान का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो तीसरा का आंसर कौन सा होगा जी? एक व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया या मानसिक बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक अवस्था या मानसिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो को क्या कहेंगे आप 2 से 3 बार अवश्य देखना, ताकि यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर और समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में परफॉर्मेंस आप सभी लोगों को अच्छा आना चाहिए, ठीक है। अगर आएगा तो मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लासेस लेकर आऊँगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो को 500-600 लोग देखते हैं लेकिन लाइक जो है बहुत कम रहता है, ठीक। लाइक अधिक रहना चाहिए, सभी लोगों को लाइक करना है। इसका आंसर आपका ए होगा, ठीक। इसका मैं पूरा डिटेल भी लेकर आया हूँ जी, डिटेल पूरा आपको बताऊँगा। मनोविज्ञान का अध्ययन एक क्षेत्र है जो व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार की व्याख्या करता है। यह व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान और अध्ययन है। अध्ययन का यह क्षेत्र धारण, भावना, ध्यान, व्यक्तित्व, प्रेरणा, अनुभूति, व्यक्ति मानसिक मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और व्यवहार में शोध करता है। मनोविज्ञान
किस प्रकार का विज्ञान है तो यहाँ पर देखेंगे, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है तो यहाँ पर देखते चलिएगा, किस प्रकार का विज्ञान है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक या प्राकृतिक विज्ञान। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये जो वेबसाइट है उसको मैं पूरा वेबसाइट को लेकर आया हूँ जो स्पष्ट है, पूरा आपको स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, इसका आंसर भी बताया हुआ है। ठीक, तो मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान है तो चौथा का आपका हो जाएगा सी, सामाजिक विज्ञान। याद रखना, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है तो सामाजिक विज्ञान है। चलिए इसको स्पष्टीकरण आपको बताएंगे, पहले पांचवा का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। स्पष्टीकरण है, मनोविज्ञान सामाजिक अनुभूति एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, यह मानव मन और व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। ठीक, ये आप लोग पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा इसका। ठीक, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक का नाम बताइएगा, ऐसे ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ। ठीक, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक का नाम क्या है तो विलहेम वुड्स, जीजंग, सिगमंड फ्रायड या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग एक वीडियो को 2 से 3 बार अवश्य देखिएगा। ठीक, और इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए छठवा इसका आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्याख्या वाला को एक बार स्क्रीनशॉट, सभी का स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, छठवा का देखते हैं, इनमें से कौन सा लोग के प्रति नकारात्मक रवैये का उदाहरण है, नकारात्मक, यहाँ पर कमेंट ना करें। टकसाली, प्रोटोटाइप, पूर्वग्रहण या भेदभाव। तो नकारात्मक का मतलब होता है छठवा का पूर्वग्रहण। ठीक है, पूर्वग्रहण। चलिए आप देखेंगे होता क्या है तो एक बार देख लीजिएगा पूर्वग्रहण वाले स्पष्टीकरण में। सामान्यतः पूर्वग्रह किसी चीज के बारे में एक विचार है, विश्वास है, पूर्व धारणा को संबंधित करता है। इससे किसी समूह की व्यक्ति विशेषताओं के प्रति शत्रुता, अतार्किक रवैये को परिभाषित करता है। नकारात्मक दृष्टिकोण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। सातवां है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्पकालीन स्मृति दीर्घकालीन स्मृति स्थानांतरित करता है। सेरिब्रम, समुद्री घोड़ा, प्रमस्तिष्क खंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सातवां का बी, समुद्री घोड़ा। ठीक है, यानी कि उसको हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो स्मृति मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस क्षेत्र का प्राथमिक कार्य है। इसके लिए ग्रीक शब्द हिप्पोकैम्पस है, जहाँ हिप्पो का अर्थ है आपका घोड़ा। ठीक है, और कैम्पस का अर्थ है समुद्री घोड़ा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक मिनट ना, ये आंसर छुपाना चाहिए मेरे को। चलिए, सुदृढ़ीकरण के लिए गढ़ा गया दूसरा शब्द कौन सा है, इनाम, स्थिति, प्रतिक्रिया, इनमें से कोई भी नहीं। तो आठवां का आपका हो जाएगा ए, इनाम। नौवां है, ठीक है, नौवां एक योग्य, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलूं क्या, फटाफट जल्दी हो जाएगा फिर। एक योग्य मनोवैज्ञानिक द्वारा मनोवैज्ञानिक की कठिनाइयों वाले व्यक्ति के इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को नियोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाया जाता है। मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, मनोचित्र, मनोचिकित्सा या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपका बी होगा, मनोचिकित्सा। ठीक, इसको चलो मैं PDF में देने की कोशिश करूँगा। ठीक, किसी बच्चे के एक शब्द के उच्चारण के लिए प्रयुक्त होता है, होलोफ्रेज, टेलीग्राफिक भाषण, एक्सटेंशन के अंतर्गत और इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पर कमेंट ना करें ना, मैं आपको डायरेक्ट ब्लॉक कर दूंगा फिर, मैं बार बार व्हाट्सअप ना करें जब मैं यहाँ पर क्लासेस कर रहा हूँ। ठीक, दसवां का आपका आंसर होगा ए, ठीक है, होलोफ्रेज। चलिए अब देखेंगे होलोफ्रेज क्या है। तो 12 महीने के आसपास बच्चा कुछ शब्द बोलना शुरू कर देता है, आमतौर एकल शब्द इन्हें होला सकते हैं। आप कमेंट ना करें ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक, ग्यारहवा का आपका आंसर होगा, इनमें से कौन सा निदान योग्य नींद का विकार नहीं है। तो नींद का विकार नहीं है, अनिद्रा, सोनिलोंकी, नींद में चलना या नींद का आतंक। तो ग्यारहवा का आंसर क्या होगा जल्दी इसमें बताओ, ग्यारहवा का आंसर बी, सोनिलोंकी। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा ना, मैं आपको PDF देने की कोशिश करूँगा। तो 12वां का आंसर यहाँ पर रीढ़ की हड्डी दिया है, उसको मेरुदंड कहते हैं। निम्न में कौन सा सजगता को नियंत्रित करता है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं 13वां का। तो इनमें से कौन सा हमारे शरीर के अंगों की गति और स्थिति महसूस कर सकता है, प्रोपियोडिक्शन, प्रोपियोलिक्शन, प्रोपियोसेप्शन या प्रोपियोएक्शन। तो 13 का आंसर आपका होगा जी सी, प्रोपियोएक्शन। ठीक, प्रोपियोसेप्शन, ये वाला। ठीक,
अब होता क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे स्पष्टीकरण है किनेस्थेसिया प्रोपेसियन का दूसरा नाम है। ठीक, क्या है इसको देखिएगा, किनेस्थेसिया प्रोपेसियन का दूसरा नाम है। शरीर अपनी स्थिति, गति और घटकों को पता लगा सकता है। प्रोपेसियन सेप्शन को किसी पैर को दबे या बिना लात मारने, लात की क्या है, हाँ लात ही है, लात मारने के चलने की क्षमता, बंद आंखों से किसी की नाक को छूने की सक्षम होने की प्रदर्शित किया जा सकता है। 14 क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के बारे में जानकारी प्राप्त करने के दृष्टिकोण को सामान्य मस्तिष्क की गतिविधि को दर्शाता है, क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट्रॉन एमिनेशन टोमोग्राफी, विद्युत उत्तेजना या इलेक्ट्रो एनसेफलोप्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 14 का आंसर आपका ए होगा, प्रोजेक्ट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ठीक, अब होता क्या है, तो यहाँ पर एक बार देखेंगे, ठीक है कि नहीं देखेंगे, देखें, चलो नहीं देखते। 15 है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी दुर्घटना में शामिल था और उसके बाद अपने व्यवहार के प्रभावों के बारे में कम चिंतित, लापरवाह और आवेगी हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति का किसी न किसी तरह से चोट लगनी थी। तो पश्चिम कपाल वाली, पार्श्विक भाग, ललाट वाली या ऊपर के सभी, तो 15 का आपका आंसर होगा सी, ललाट वाली। रचनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया, तो रचनात्मक वैज्ञानिक अध्ययन किसने शुरू किया है, मेडनिक, गिलफोर्ड, गैल्टन, टॉरेंस। तो 16 का आंसर कौन सा होगा, तो 16 का आंसर बी होगा, गिलफोर्ड। ठीक, याद रखना गिलफोर्ड। अब देखेंगे इसका व्याख्या क्या है, तो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। रचनात्मक को नए विचारों को समझने और उन्हें जीवन में लाने की क्षमता के रूप परिभाषित किया गया है, जेपी गिलफोर्ड। ठीक, 17 है कि टीना ने कार्य सूची में लिखी लेकिन जब वह अपनी पहली गतिविधि के लिए बाहर गई तो वह इसे घर पर भूल गई। जब उसने इसे याद करने की कोशिश की तो उसे केवल सूची की शुरुआत और अंत तक याद था, लेकिन केंद्र में क्या था कि नहीं याद था। पूर्ववर्ती परिदृश्य का इसका उदाहरण क्या है, फ्लैश बल्ब मेमोरी, क्रम स्थिति का प्रभाव या एकॉन्डिंग विशेषता का प्रभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा बी, क्रम स्थिति प्रभाव, क्रम, क्रम स्थिति प्रभाव। क्या पूछा गया, टीना ने कार्य सूची में लिखी लेकिन जब वह अपनी पहली गतिविधि के लिए, यहाँ पर कमेंट ना करें, मैं बार बार बोलूँ मैसेज ना करें, बाहर हुई तो मैं आपको देखता हूँ, क्या नाम है तेरा, ब्लॉक ही है तू, तू तेरे तेरे को ब्लॉक ही करूँगा मैं, ब्लॉक टू ब्लॉक। अब वह इसे घर के पर भूल गई जब उसने इसे याद किया। जब मैं आज कंप्यूटर में नहीं करा के आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है, बार बार कमेंट कर रहे हो बेवकूफ टाइप के। केवल सूची की शुरुआत अंत तक था लेकिन, हाँ मैं पहले बता रहा हूँ, जो बीच में करेगा ना डायरेक्ट मैं ब्लॉक करूँगा, उसको वीडियो मिलेगा ही नहीं। फिर जब मैं क्लासेस करा रहा हूँ आप लोग बीच में बार बार मैसेज करते रहे, तो मना नहीं कर रहा हूँ मैसेज करने के लिए, समझना चाहिए आपको, जब क्लास चल रही तो मैं आपको बताया भी था, फिर इसलिए पढ़ाने का मन नहीं करता आप लोग को। जब व्हाट्सएप में आपको मैसेज कर देना करके बोल रहा हूँ, डायरेक्ट यहीं भड़ा भड़ा पढ़ कर रहे हो, ऐसा कोई करता है क्या। जब मैं आपको क्लासेस में रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ अभी फिलहाल, चलो ऐसे करके, चलो आज क्लास नहीं आया तो चलिए दे दे रहा हूँ करके, तो फिर आप लोग ऐसे 17 का भी होगा, चलिए कल मैं